में ये दो प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर एक है आपका, पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र जिनमें प्रथम सूत्र पुस्तकें उपयोगार्थ है, उपयोगार्थ है, यह सूत्र किस विद्वान की उपज है? किस विद्वान की उपज है? पहला ऑप्शन आता है हमारे सामने डॉक्टर एस आर रंगनाथन, दूसरा ऑप्शन है हम आपके सामने पी एस शिवास्वामी अय्यर, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने डब्ल्यू सी बी सेयर्स, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने एडवर्ड बी रॉस। क्वेश्चन है हमारे यहां सामने पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र जिनमें प्रथम सूत्र है पुस्तकें उपयोगार्थ है, यह सूत्र किस विद्वान की उपज है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने पी एस शिवास्वामी अय्यर, तीसरा ऑप्शन है डब्ल्यू सी बी सेयर्स, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने एडवर्ड बी रॉस। क्वेश्चन नंबर दो है आपका, यही द्वितीय सूत्र प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह किस विद्वान की देन है? ऑप्शन आपके सामने यही चारों हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, पी एस शिवास्वामी अय्यर, डब्ल्यू सी बी सेयर्स और एडवर्ड बी रॉस। क्या रहेगा आंसर? वेरी गुड, एस आर डॉक्टर एस आर रंगनाथन। दूसरे का भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन। क्वेश्चन को जल्दी आंसर देने से सिलेक्शन नहीं होगा साथियों, क्वेश्चन का आंसर सही पढ़ें और आंसर सही देने से हमारा सिलेक्शन इजी होता है। तो पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र जिनमें प्रथम सूत्र पुस्तकें उपयोगार्थ है, यह आपका इसका सही आंसर रहेगा एडवर्ड बी रॉस। यह उपज डॉक्टर एडवर्ड बी रॉस का है, और दूसरा जो सूत्र है आपका प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह किस विद्वान की देन है? तो इसका आंसर रहेगा आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथ। ऐसा क्यों?
अब तक तो हमने यही पढ़ा था, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस ही सभी रंगनाथन जी के हैं, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि पहला सूत्र जो उपज है और डॉक्टर बी रॉस का है, तो आइए इसी टॉपिक को आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक को हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो वह कहानी है आपकी डॉक्टर रंगनाथन महोदय व उनके गुरु गणितज्ञ डॉक्टर एडवर्ड बी रॉस के मध्य की। तो आप कहानी आ रही है आपके बीच में, डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय व एडवर्ड बी रॉस। सभी साथी नोट करते रहें। तो यह इस कहानी में ऐसा है क्या, तो हम शुरू करते हैं। रंगनाथन महोदय की फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक पुस्तक में वो वर्णन करते हैं कि मैं अंधकार में किसी गुप्त खोज के सिद्धांतों की खोज कर रहा था, तो इसी में मुझे एक बहुत बड़ी सफलता मिली। वो मिली थी एडवर्ड बी रॉस महोदय से मिलना हो। वह ये था कि वो जब भी पुस्तकालय जाया करते थे तो उनका मकान पुस्तकालय और प्रोफेसर जी का मकान उनके मकान के बीच में ही आता था, तो उनसे अक्सर उनकी मुलाकात होती रहती थी। इसी डॉक्टर रंगनाथन महोदय की एक ही क्वेरीज थी कि पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धांतों की खोज कैसे हो। हर बार वो एक ही प्रश्न करते थे कि पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धांतों की खोज कैसे हो। तो एक बार एडवर्ड बी रॉस शाम को 4 बजे रंगनाथन महोदय के घर पहुंचते हैं। रंगनाथन महोदय और एडवर्ड बी रॉस 2 घंटे तक उसी पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धांतों को खोजने में अपना समय व्यतीत करते हैं। शाम के 6 बज जाते हैं। शाम के 6 बजे वो जाने के लिए अपने घर जाने के लिए जाते हैं, तैयार होते हैं और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं। तभी अचानक से एडवर्ड बी रॉस के मुख से प्रकाश की किरण कौदती है, अर्थात कि बाइक शुरू करते हैं तो प्रकाश की एक किरण सी चमकती है और उनके होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। ऐसा रंगनाथन महोदय अपनी फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में इस कहानी का वर्णन करते हैं। तो अचानक से एडवर्ड बी रॉस महोदय कहते हैं कि रंगनाथन महोदय से कि आपका मतलब है कि पुस्तकें उपयोगार्थ है। इतना कहकर के मुस्कुरा करके वो अपने घर की ओर चल देते हैं। तभी डॉक्टर रंगनाथन महोदय कहते हैं कि कितना छोटा और कितना गूढ़। यह उनकी प्रसन्नता इसलिए वाजिब है कि डॉक्टर रंगनाथन महोदय को अपना पहला सूत्र मिल गया था पुस्तकें उपयोगार्थ है, पुस्तकें उपयोगार्थ है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा यह किनकी उपज है, एडवर्ड
बी रॉस महोदय। अब हम आगे देखते हैं कि चारों सूत्र कौन से हैं। पहला यह सूत्र हो गया, दूसरा है आपके सामने प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह आप सभी जानते हैं, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा सूत्र है आपका प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। उसका पाठक मिले। चौथा सूत्र है आपका पाठक का समय बचाए। पाठक का समय बचाइए। और पांचवा सूत्र रहता है हमारा पुस्तकालय। एक वर्धनशील संस्था है। तो यह हमारे पांच सूत्र है, पुस्तकें उपयोगार्थ है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचाएं और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो इन चारों का प्रतिपादन डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय स्वयं का है। महोदय की खुद की उपज है ये चारों सूत्र। अब हमें इन चारों सूत्र की अंग्रेजी टर्म्स भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहला है पुस्तकें उपयोगार्थ है, बुक्स फॉर यूज। तो आपका पहला सूत्र रहेगा बुक्स फॉर यूज। एवरी रीडर इट्स बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव टाइम ऑफ द रीडर, लाइब्रेरी ऑफ ए ग्रोइंग लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजर, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजर। तो इस तरह से हमारे सामने ये पांचों सूत्र की उत्पत्ति होती है। और आगे डॉक्टर रंगनाथन महोदय को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में हम सभी जानते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है कि डॉक्टर रंगनाथन महोदय को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसने बताया, किस विद्वान ने बताया। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक के जनक एक स्टेटमेंट और है, पुस्तकालय अध्यक्षों के बीच पुस्तकालय अध्यक्षों के बीच राजकुमार ये दोनों कथन किस विद्वान महोदय के हैं। हम
हमारे सामने दो स्टेटमेंट है। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर रंगनाथन महोदय को हम कहते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, तो यह स्टेटमेंट किनका है। और दूसरा है पुस्तकालय अध्यक्षों के बीच राजकुमार, यह किसका है? यह कथन है आपका मॉरिस ग्रेवर का। मॉरिस ग्रेवर का अब हम आगे बात करते हैं पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों की पृष्ठभूमि। आप इसे नोट डाउन करते रहें, पूरा कंप्लीट आपका टॉपिक होगा, ये दो सेशन में होगा, इसलिए आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहें। अब आते हैं इसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि हम देखते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र का सूत्रपात कब हुआ, दूसरा परिकल्पना कब की गई, और तीसरा प्रकाशन कब हुआ। ये तीनों तो हमें सूत्रपात 1924 में ही हो गया था, परिकल्पना 1928 में, और आपका प्रकाशन आता है 1931 में। तो हमने यहाँ पे देखा कि पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों का सूत्रपात 1924 में, परिकल्पना आपकी 1928 में, और प्रकाशन 1931 में। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो कौन सी पुस्तक थी। तो आपके टॉपिक ही यही है, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सूत्रपात देख लिया, परिकल्पना हो गई, प्रकाशन हो गया, पुस्तक हो गई। प्रकाशन पब्लिशर कौन सा था, प्रकाशक। अब हम देखते हैं प्रकाशक, प्रकाशक था आपका माला, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन इसके बाद में हम देखते हैं सूत्रपात, परिकल्पना, प्रकाशन, पुस्तक, प्रकाशक। भूमिका और प्रस्तावना, भूमिका लिखी है आपकी डब्ल्यू सी बी सेयर्स महोदय ने, और प्रस्तावना आपकी आई है दी थी पी एस शिवास्वामी अय्यर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं कि इसका दूसरा एडिशन कब आया। पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र का द्वितीय संस्करण
द्वितीय संस्करण आया है आपका 1957, यह भी आपके माला के द्वारा ही निकाला गया। अब हम देखते हैं वर्तमान रिप्रिंट एडिशन, वर्तमान रिप्रिंट एडिशन। वर्तमान रिप्रिंट एडिशन ऑनलाइन एडिशन था जो आपका 1 जनवरी 2006 को प्रकाशित हुआ था, 1 जनवरी 2006 ऑनलाइन है यह प्रकाशन। इसके प्रकाशक ESS पब्लिकेशन को ESS पब्लिशर है, पब्लिकेशन पब्लिकेशन को दे रखा है जिसका कॉपीराइट शेयर्स के पास है, SEL। इसका कॉपीराइट आपके सेल्स के पास है और यह ऑनलाइन रिप्रिंट एडिशन है जो 1 जनवरी 2006 को आया था। शेयरलेस की स्थापना 1961 में हो गई थी और जिसका रजिस्ट्रेशन 1963 से माना जाता है। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म रहती है आपकी शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमने सूत्रपात देखा, प्रतिपादन देखा, पब्लिशर्स देखे, पहला एडिशन, दूसरा एडिशन और वर्तमान रिप्रिंट। इसके बाद में हम देखते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के बारे में कुछ विद्वानों के स्टेटमेंट कथन देखते हैं। कथन आते हैं जिसमें पहला कथन डॉक्टर रंगनाथन महोदय का ही लेते हैं। डॉक्टर रंगनाथन, दूसरा स्टेटमेंट आएगा आपका सेयर्स महोदय का और तीसरा स्टेटमेंट रहेगा के एम शिवरामन। इनका क्या स्टेटमेंट है? डॉक्टर रंगनाथन महोदय कहते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो दिए हैं वह अपने आप में क्या है, हाई कोर्ट। आपका प्रश्न होगा अगला कि डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को हाई कोर्ट क्यों कहा, हाई कोर्ट की संज्ञा क्यों दी। हम अच्छी तरह जानते हैं हाई कोर्ट का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे दो व्यक्तियों के बीच में आपसी विवाद होने पर हम हाई कोर्ट की चरण लेते हैं और उन्हीं के निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। इसी तरह रंगनाथन महोदय का यह मानना है कि दो पुस्तकालय अध्यक्षों के बीच में होने वाले विवाद को अगर खत्म करना है तो उन्हें पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए या उन्हें इसकी स्टडी करनी चाहिए, तो वहीं उनका निर्णय हो जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों पे ही उन्हें उनका निर्णय हो जाएगा, उसी में उनका हल निकल जाएगा।
अब आता है दूसरा स्टेटमेंट सेयर्स महोदय का। सेयर्स महोदय कहते हैं पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र यह काम बड़ी सादगी का है। बड़ी सादगी का है, सादगी का है जो गहराई छिपाता है। रंगनाथन महोदय के पांच सूत्रों के बारे में कहते हैं कि यह काम बड़ी सादगी का है जो गहराई को छिपाता है तथा आध्यात्मिक गहन की ओर बढ़ावा देता है। इससे कहना क्या चाह रहे हैं सेयर्स महोदय, यह कहना बताना चाह रहे हैं इस कथन से कि रंगनाथन महोदय के द्वारा दिए गए पांच सूत्र अपने आप में एक गूढ़ है, यानी कि उनकी गहराई में जैसे जैसे उतरते जाते हैं तो एक तरह से उन पर शोध ही होता है, मौलिक शोध। तीसरा स्टेटमेंट आता है कि डॉक्टर के एम शिवरामन का। के एम शिवरामन संज्ञा देते हैं पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों को आचरण संहिता। आचरण संहिता। आपका अगला प्रश्न होगा कि डॉक्टर के एम शिवरामन ने पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों को आचरण संहिता की संज्ञा ही क्यों दी। इनका मानना था कि लाइब्रेरियन पुस्तकालय में किस तरह का व्यवहार किया जाए, किस तरह का व्यवहार करना चाहे वो पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों की अच्छे से स्टडी करें। पुस्तकालय में किस तरह का व्यवहार हो, किस तरह का आचरण हो, वो हमें बताते हैं पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र। तो हमें ये तीनों स्टेटमेंट ध्यान रखने हैं, डॉक्टर रंगनाथन महोदय का हाईकोर्ट पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों में, दूसरा है सेयर्स महोदय का गहराई को छिपाता है और आध्यात्मिक गहनता की ओर स्पष्ट करता है, और तीसरा है आपका के एम शिवरामन आचरण संहिता। अब हम आगे बढ़ते हैं पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र। पांच सूत्र हमने देखे कि पहला सूत्र था हमारा पुस्तकें उपयोगार्थ है, दूसरा सूत्र था प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तीसरा सूत्र है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, चौथा है पाठक का समय बचाएं, और पांचवा है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो इन्हीं पांच सूत्रों को अपर्याप्त बताते हुए एक विद्वान आते हैं जेम्स आर रेटिंग। ये महोदय 1992 में एक पांच सूत्रों को अपर्याप्त बताते हुए कौन सा सूत्र देते हैं, छठा सूत्र, छठे सूत्र का प्रतिपादन करता है। छठा सूत्र है आपका प्रत्येक पाठक को स्वतंत्रता मिले। एवरी रीडर इज फ्रीडम, प्रत्येक पाठक को स्वतंत्रता मिले। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र डॉक्टर रंगनाथन महोदय के अपर्याप्त बताते हुए छठा सूत्र जेम्स आर रेटिंग ने कौन सा प्रतिपादित किया इस तरह से। और इनके बाद में फिनलैंड के दो लेखक
फिनलैंड के दो लेखक हैं, कुरेनन व पेकरनन। फिनलैंड के दो लेखक हैं कुरेनॉन और पैकरनॉन। ये दोनों लेखक दो सिद्धांत देते हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को अपर्याप्त बताते हुए, अपने दो सिद्धांत देते हैं। प्रत्येक पाठक का अपना पुस्तकालय हो, प्रत्येक पाठक का अपना पुस्तकालय हो, प्रत्येक और दूसरा प्रत्येक लेखक का योगदान पुस्तकालय में हो। फिनलैंड के दो लेखक हैं कुरेनॉन और पैकरनॉन। ये दोनों कहते हैं 5 सूत्रों का अपर्याप्त बताते हुए, ये अपने दो सूत्र देते हैं। पहला देते हैं प्रत्येक पाठक का अपना पुस्तकालय हो, और दूसरा कहते हैं कि प्रत्येक लेखक का योगदान पुस्तकालय में हो। इस तरह से हमने 5 सूत्र देखे, उनकी पृष्ठभूमि देखी, पहले सूत्र का प्रतिपादन कैसे हुआ, उपज कहाँ से हुई, और इनके बाद में हमने देखा कि इन दोनों लेखकों ने छठा और सातवां सूत्र। इस तरह से अब हम आगे देखते हैं कि कुछ विद्वानों के इन्हीं पुस्तकालय विज्ञान की प्रसिद्धि के बाद में शोध होते हैं। तो वर्तमान में ये पुस्तकालय के 5 सूत्र किस किस स्वरूप में हैं, आए हैं, तो वो देखते हैं। पहला आता है उन्नीस सौ बानवे में, जेफ थॉमसन। उन्नीस सौ बानवे में जिम थॉमसन अपने 5 सूत्र देते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र डॉक्टर रंगानाथन महोदय के, उसी तर्ज पे उन्हीं को आधार मान करके जेफ थॉमसन। तो इनका रहता है पहला सूत्र कि पुस्तकालय लाभ कमाने के लिए है। पुस्तकालय लाभ कमाने के लिए, और डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने क्या कहा, पुस्तकालय पुस्तकें उपयोगार्थ है। दूसरा इनका सूत्र आता है प्रत्येक पाठक को पुस्तक की कॉपी दी जाए, कॉपी दी जाए। प्रत्येक तीसरा सूत्र है इनका, प्रत्येक पाठक को बिल दिया जाए। और चौथा इनका रहता है
प्रत्येक पाठक से नगद रुपए लिए जाए, नगद रुपए लिए जाए। और पांचवा वही पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। इस तरह से जेफ थॉमसन महोदय के पांच सूत्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूछा जाता है, आगे हम देखते हैं दूसरा, बात करते हैं 1998 की। पहला देखा हमने डॉक्टर रंगानाथन महोदय के, दूसरा देखा हमने जेफ थॉमसन में, और अब हम तीसरा देखेंगे माइकल क्रॉफ्ट। माइकल व वेट क्रॉफ्ट, क्रॉफ्ट फॉर्ट, इनका आया है आपका 1998। माइकल गोरवेन, माइकल गोरमैन और वेट क्रॉफ्ट 1998। ये पांच सूत्र देते हैं आपके। पहला इनका सूत्र रहता है मानव पुस्तकालय मानवता की सेवा करें, पुस्तकालय मानवता की सेवा करें। दूसरा ये कहते हैं कि प्रत्येक प्रत्येक सूचना का सम्मान हो, पहला इनका सूत्र रहता है पुस्तकालय मानवता की सेवा करें, दूसरा इनका सूत्र रहता है कि प्रत्येक सूचना का सम्मान हो, और तीसरा सूत्र रहता है इनका पुस्तकालय में तकनीक का बुद्धिमता पूर्ण उपयोग हो। पहला है पुस्तकालय मानवता की सेवा करें, दूसरा है प्रत्येक सूचना का सम्मान हो, तीसरा पुस्तकालय में तकनीक का बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग हो, चौथा है पुस्तकालय सामग्री पाठक को निःशुल्क मिले, पाठक को निःशुल्क प्रदान करें। और
पांचवा इनका रहता है सूत्र, भूतकाल का सम्मान करें, और भविष्य का सृजन करें। भविष्य का सृजन करें। इस तरह से हमारे सामने पांच सूत्र है। डॉक्टर रंगनाथन महोदय के पहले देखे, फिर जेफ थॉमसन महोदय के देखे, अब हमने माइकल गोरमैन और वैट क्रॉफ्ट 1998 के। इस तरह से अभी जो वर्तमान में प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है, वो इसी तरह से रंगनाथन महोदय के पांच विज्ञान के पांच सूत्र पर से ना पूछ करके उनके ऊपर हुए शोध से निर्मित इन सूत्रों में से पूछे जाते हैं। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इनमें पहले प्रश्न एक देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ए, यहाँ पे आपका आएगा सन, यहाँ पे पुस्तक शब्द के स्थान पर प्रयुक्त, शब्द के स्थान पर प्रयुक्त शब्द। यहाँ पे शोध करता। अब आपके सामने चार ऑप्शन है, 20वीं शताब्दी, प्रलेख, डॉक्टर रंगनाथन महोदय, दो हजार चार वेब, अली रेजा नरोजी, सी ऑप्शन है आपका दो हजार पंद्रह ज्ञान, डॉक्टर अचला मुनिगल और डी ऑप्शन रहेगा आपका दो हजार आठ मीडिया। इसका है सिंपसन। अब आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 20वीं शताब्दी में पुस्तक के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, प्रलेख, डॉक्टर रंगनाथन महोदय के द्वारा,
दूसरा है आपका 2004, पुस्तक के स्थान पर वेब शब्द का प्रयोग, डॉक्टर अली रेजा नरोजी। तीसरा ऑप्शन है आपका 2015, ज्ञान शब्द, पुस्तक के स्थान पर डॉक्टर अचला अचला मुनिगल। और डी ऑप्शन है आपका 2008, मीडिया सिंपसन। अब आपको बताना है कि कौन सा असुमेलित है, इनमें से कौन सा असुमेलित है, बता सकते हैं आपका? बीसवीं शताब्दी में पुस्तक के स्थान पर प्रलेखसब डॉक्टर रंगानाथन महोदय ने कुछ ही समय बाद में उनको रिलाइज हुआ कि पुस्तक ही क्यों, पुस्तक के स्थान पर समाचार पत्र भी हो सकते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री भी हो सकती है, तो उन्होंने इस जगह पे प्रलेख जो दस्तावेज, प्रलेख शब्द ही किया है जिसे हम दस्तावेज कहते हैं, मान डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज शब्द का प्रयोग किया, यह आपका सही है। दूसरा है 2004 में पुस्तक के स्थान पर वेब शब्द का यूज हुआ, डॉक्टर अली रेजा नरोजी, यह भी आपका सही है। तीसरा असुमेलित है, 2015 में पुस्तक के स्थान पर ज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ जो डॉक्टर अचला मुनिगल ने ना करके, आपका सही आंसर रहेगा बी सैडरिच, बी सैडरिच महोदय। 2015 में ज्ञान शब्द, पुस्तक के स्थान पर ज्ञान शब्द, बी सैडरिच महोदय ने, तो आपका डॉक्टर अचला मुनिगल नाम है, इसके बारे में हम बाद में देखते हैं। अभी डी ऑप्शन है आपका 2008, मीडिया, तो ये दिया है आपके सिंपसन महोदय ने। अब डॉक्टर अचला मुनिगल ने एक और ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे, 2016 में मीडिया शब्द के स्थान पर इन्होंने दिया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यह दिया है डॉक्टर अचला मुनिगल, अचला मुनिगल। इस तरह से वर्तमान तक हम सोशल मीडिया तक पहुंच चुके हैं, प्रलेख, वेब, ज्ञान, मीडिया और सोशल मीडिया। एक बार और देखते हैं इन्हें वापस से कि इनको किस तरह से हुई इनकी उत्पत्ति। दो हजार आठ वेब, मीडिया 2015, ज्ञान, और आपका 2016 सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। किसने दिया, अभी हमने देखा था अली रेजा नरोजी, मीडिया सब सिंपसन, ज्ञान शब्द बी सैडरिच,
और सोशल मीडिया डॉक्टर अचला मुनिगल। इनके इन्होंने भी अपने पांच पांच सूत्र दिए हैं, जैसे कि वेब है तो पहला इनका सूत्र क्या हो जाता है, वेब सभी के लिए है, वेब उपयोग के लिए है। दूसरा, प्रत्येक वेब यूजर को मिले। तीसरा, प्रत्येक यूजर को वेब मिले, वेब यूजर का समय बचाए। और पांचवा, वही वर्धनशील संस्था है, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। इसी तरह से मीडिया, मीडिया के बाद में ज्ञान, और ज्ञान के बाद में वर्तमान में कौन सा स्वरूप है, सोशल मीडिया का। इसी तरह से अब हम देखते हैं, आते हैं वापस अपने पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र पर। पहला सूत्र है यहाँ पे हमारा, पुस्तकें उपयोगार्थ है, पुस्तकें उपयोग के लिए है, उपयोग के लिए है। पहला सूत्र हमारा पुस्तकें उपयोग के लिए है। दूसरा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा सूत्र है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा है, समय बचाए, पाठक का समय बचाए। समय बचाइए। और पांचवा है, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, वर्धनशील संस्था है। तो हम देखते हैं रंगनाथन महोदय के द्वारा दिए गए ये पांच सूत्र, जिनकी हम साधारण पहचान कैसे सकें। पूछा जाता है कि पहला सूत्र किससे संबंधित है, दूसरा सूत्र में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तीसरे सूत्र में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, पहले और तीसरे सूत्र किससे संबंधित है, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो हमें पता होना चाहिए। पहले सूत्र में भूमिका आपके पुस्तकालय की, पुस्तकालय। दूसरे में रहेगी आपकी पाठक। तीसरे में रहेगी आपकी पुस्तक। और चौथा है आपका समय। और पांचवा है विकासशील संस्था। विकासशील संस्था। इस तरह से हम सूत्रों को पहचान सकते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस इन्हीं में है। पुस्तकालय के महत्व को जहां पे भी प्रदर्शित होगा, वहां पे हमारा पहला सूत्र होगा पुस्तकें उपयोग के लिए है। और जहां पाठक को इम्पोर्टेंस दी गई है, वह दूसरे सूत्र से संबंधित है। जिस सूत्र में पुस्तक को सर्वाधिक इम्पोर्टेंस दी गई है, वह तीसरे सूत्र से संबंधित रहेगा। और पाठक के समय को बचाना है, तो समय को इम्पोर्टेंस जहां दी है, वह चौथा सूत्र रहेगा। और पांचवा सूत्र हमारा, पुस्तकालय को किस तरह से बढ़ावा मिले या वह कैसे ग्रोथ करे, तो उसी में हमारा पांचवा सूत्र है। तो हमने आज देखा
पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र, जिनमें जिनकी पृष्ठभूमि, उनका प्रतिपादन, शोधकर्ताओं के कौन कौन से वर्तमान तक अब तक कितने प्रकार से पांच सूत्र प्रचलित हुए। अब हम आगामी वीडियो में देखेंगे कि पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र है, इन पांचों की विस्तृत व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे, जो हमारा सेशन रहेगा 40 से 45 मिनट का, तो हम उसमें करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपकी प्रत्येक मांग को श्री समृद्धि क्लासेज ध्यान में रखते हुए उसे पूरा करने का हरदम प्रयास कर रही है। हमेशा श्री समृद्धि क्लासेज नवाचार के लिए जाना जाता है, तो इसीलिए आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह की श्रृंखला आप निरंतर चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने श्री समृद्धि क्लासेज। धन्यवाद। जय हिंद।